السلام عليكم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آج میں اپنا ناشتہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. ناشتہ تو اتنا خاص نہیں ہے، پر میں اپنے پراٹھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کی ڈیلی روٹین خراب ہو گئی ہے. ابھی ہمارے یہاں 10 بجے ناشتہ ہوتا ہے. हमने यहाँ पे छोटा बेलन इस्तेमाल करना है, क्योंकि छोटे बेलन से मतलब पतले बेलन से रोटी पराठा अच्छा बनता है. पतली रोटी हमने यहाँ पे बनाई है. आप तेल घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ. आपकी मर्जी है, आप कम तेल इस्तेमाल करना चाहते कर सकते हैं और ज़्यादा तेल भी. मैंने यहाँ पे ज़्यादा तेल यूज़ किया है. इस तरह से देखिए, हमने इस तरह से इसको बना लिया है. हम इसको लंबा करेंगे तो बस इस तरह से इसको लंबा बनेगा. लंबा पराठा आपने बना लेना है. फिर वापस इसे इस तरह से कड़ा करके इसे घुमा लेना है इस तरह से. आप बड़े पराठे भी बना सकते हैं और छोटे पराठे भी, लेकिन छोटे पराठे बड़े मज़े के बनते हैं. इस तरह से हमने कर लिया है और अब इसके नीचे हम लोग लेके लेंगे, ऊपर नहीं. इस तरह से हमारे पराठा वैसे एक पेड़ा हो गया है रेडी. और अब हम इसको पराठे की शेप दे देते हैं इस तरह से. नीचे भी डाल दिया है कुछ काटा, और थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर भी डालेंगे ताकि ये रोटी बेलन के साथ चिपके नहीं और बेलन के पास हमें फोड़ डाल दिया है. इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पतला बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग पराठा मोटा अच्छा नहीं डालते ना, इसलिए अगर इसको डाल दें तो ये फिर बहुत ही मोटी हो जाती है, इसलिए हम पहले से इसको पतला बनाएंगे. अब ये देखिए, हमने इसीलिए ये डाला था नीचे कुछ आटा ताकि ये रोटी हमारी चिपके ना. अब हम इस पर तवे पे डालेंगे, लेकिन तवे पर सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. यहाँ पे हम डालेंगे तेल. हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया और अभी अभी हमने चूल्हा जला दिया. अभी तेल का तो गर्म हो चला.
तेल हो चुका है गरम। अब हाँ उसमें डालेंगे अपना पराठा, मेरे की तरह से ऐसे कूल जाए तो कोई मसला नहीं। इस तरह से पराठा लग रहा है, इसके बाहर का पराठा को डाल देना है आराम से। रेडी होने लगा है लाल हो रहे हैं, चाय हमें परत देना है देखिए, मजे का पराठा यहाँ पे हमारे रेडी होने वाला है। कितनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, मजे के लिए मजे का पराठा यहाँ पे हमारे रेडी हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ा सा बना लेंगे और उसके बाद हम इसको उतार देंगे। मजे का है पराठा यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा रेडी होने वाला है। अब पीछे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे थोड़ा सा, और अब हम उसको फिर से इस तरह से डाल देंगे करके। पराठा डाल देंगे, पराठा जो हमने रेडी किया है यहाँ पे। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल दोबारा से डाल लेंगे, मर्जी का बना सकते, पतला भी बना सकते मोटा भी, इसीलिए मैंने एक मोटा बना लिया एक पतला, ताकि आप लोग देख सके किस कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को। इस तरह से इसे भी देखिए लहर आ रही है, मैंने यहाँ पर टेस्ट कर ली है। साथ साथ हमारी चाय भी रेडी हो रही है, कम जम रखे इसलिए हम ये वाला पत्थर इस्तेमाल करेंगे, फिर से कम कर लगाएंगे। इसको भी उतार देते हैं हम लोग, सभी लोग को सब्सक्राइब करें। और हम अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सभी लोग को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखना। और आप लोगों को हमारा नाश्ता कैसे लगा, अल्लाह हाफिज़।